हमारी मंत्री और एआईसीसी सेक्रेटरी जो इंचार्ज है वो चाहे तो इसकी सलाह ले सकती है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के रूप में काजी निजामुद्दीन जी को लगाया गया है और बाकी तीन जगह पे तीन एआईसीसी सेक्रेटरी लगाए गए हैं, वो यहाँ पर आए हैं। अभी जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं, प्रभारी मंत्री जो तीनों जिलों के हैं या वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं या जो एमपी कैंडिडेट हैं वो मिल रहे हैं, अभी रात को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, उसके बाद में ये अपना प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से जहां जिसकी ड्यूटी लगाई है वो जो कमेटी फॉर्म की है एसीसी ने वो कहां जाकर के कहां बैठ करके सब लोगों से चर्चा करेगी और बेहतर उम्मीदवार तलाशी फॉर्मूला पर तो हो पाया है। अभी क्या विधायकों से वही अंतिम होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कांग्रेस विचारधारा का हो, कांग्रेस के प्रति लोयल हो, जनता के बीच में रहता हो, चुनाव जीतने वाला हो, उसी को टिकट मिलेगी। वो विधायक का चहेता भी हो सकता है तो नहीं चहेता भी हो सकता है, एमपी कैंडिडेट का चहेता भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। हमारे लिए कांग्रेस विचारधारा का, कांग्रेस के प्रति लॉयल और जनता के बीच में रहने वाला, जनता की पसंद का व्यक्ति होना चाहिए, यही कांग्रेस के उम्मीदवार बनने की प्रायोरिटी है। टुटा सर, पहली पसंद का ढूंढ लेंगे, लेकिन आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के काम नहीं हो रहे हैं, गरीबों के काम नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा है। बाबूलाल जी से मेरी बात होगी, उनके दो चार ट्रांसफर नहीं हुए थे। सरकार की ड्यूटी में आता है, मंत्रियों की ड्यूटी में आता है कि हर विधायक हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का भी हो सकता है, हमारे का भी हो सकता है, कार्यकर्ता भी होता है, उसका काम होना चाहिए। निश्चित रूप से उनके काम हुए भी हैं, आगे भी होते रहेंगे और भी होते रहेंगे। सर, भाजपा के लिए भी बिना सेना के सेनापति हैं डोटा सर जी, चुनाव में कैसे निकाल रहे?